मजदूरी करते थे सर, 3 बकरे सिर्फ सर, दूध नहीं था इसलिए दूध बच्चे की वजह से दूध लाने गए थे सर। गाय लेने को गए थे, 15,000 रुपये दे के भेजे थे, वे भी किसी से कर्जा करके लेके गए थे गाय लाने को पैसे। लेके आ रहे थे तब लोगों ने मारा उसको, वही हमारा गुजारा पार करता था। अब कौन गुजारा पार करने वाला है, कोई नहीं है ना, हमारा तो देखने वाला भी कोई नहीं है। उसका इंतकाल हो गया, सरकार भी कुछ सुनाई नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे, रेलों के नीचे चला जाए, रेलों के नीचे जाना ही पड़ेगा ना सर हमारे को, सब बच्चे को लेकर रेलों के नीचे चले जाते हैं हम, 9 बहन भाई 1 माँ है उसको भी लेके चले जाते सबको साथ में लेके सर। ये गाय ला रहे थे दूध की, 3 गाय थी इन पे गाड़ी में लेके रास्ते में चले आ रहे। तो एक गांव पड़ता है गहन का, गहन का गांव से निकल के एक रास्ते के ऊपर घर पड़ता है, वहां घर पे एक गाड़ी खड़ी मिली और उसके गाड़ी के पास में 6 या 7 जने खड़े मिले। उनने क्या किया, मिलते ही भिड़ते ही उनने नुकनी फतरिया कर दी। फतरिया करने के बाद में उनके नुकनी गोली शुरू कर दी। उमर की तो वहीं मिट्टी होगी, और यह जो जावेद लड़का था ये गाड़ी छोड़ के जान बचा के भाग लिया। ताहिर के उसके भी गोली लग गई, गोली लग गई, वह जाने अपनी कैसे कैसे वह भी अपनी जान बचा के वह भी आ गया। आज का ही दिन था, हमने जुम्मा पढ़ लिया। जुम्मे पढ़ने के बाद में करीब कोई 4, 3:30, 4 बजे के बाद हमसे जावेद ने कही कि भाई ऐसे हुआ हमारे साथ में, ये हादसा हुआ, अब गोली चल गई, ये मेरे को पता नहीं कोई मर गया कि बच गया, मैं तो अपनी जान बचा के भाग लिया। तो जब ये हादसा हमने सुना हम गंभीर हो गया। दूसरे दिन 11 तारीख में हम उसको ढूंढने के लिए चला। हमने कही इसे जो गहन का गांव था ये गोबनगढ़ में पड़ रहा है, गोबनगढ़ में पड़ रहा, तो गोबनगढ़ थाने गया हमने। थाने के जा वहाँ जाके नहीं, हमने वहाँ प्रचार करा, थानेदार साहब से पूछा कि हमारे ऐसे ऐसे आदमी कोई गाय ला रहा था और वे गुम हैं, एक आदमी मिल नहीं रहा, तो उसकी हमें कोई बात बताओ, अगर आपने टकराए हो तो आप। उसने हमारे लिए, थानेदार ने मोबाइल निकाल कर फोटो दिखाया, फोटो दिखाया, हमने वो पहचाना। मैंने कहा ये तो भाई लड़का हमारा ही है, तुम्हारा ही है नुक। हाँ, तो तुम ऐसा करो, तुम जाओ रामगढ़ जाओ, वहाँ तुम लोग जैसी कुछ बात है रामगढ़ वाला बताएंगे। हम साहब वहाँ से चला, रामगढ़ पहुँचा, रामगढ़ गया। रामगढ़ जाने के बाद में हमने पुलिस वाले से बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है जी, हमारी कोई लाश कोई मिली, कोई हमारा आदमी मिला आपको। मैंने कही कि ये चप्पल पहचानो, ये चप्पल पड़ी है किसकी चप्पल है। हमने वो चप्पल पहचानी, तो चप्पल तो मैंने कही जी हमारा लड़का की चप्पल है। हाँ आपका लड़का की चप्पल, बिल्कुल हमारा लड़का की चप्पल। उसने मुझे फोटो दिखाया, फिर सारे लोगों को फोटो दिखाया, वह छोटा है, फिर थानेदार हमें अंदर लेगा, अंदर ले जाके हिन्ना वो जो रहता है ना बड़ा, वो क्या बोलते हैं उससे, उनने पूरा फोटो करके हिन्ना हमारा सारा दिखा दिया। हमने कहा हमारा लड़का, मैंने कहा जी पहचान लो, बिल्कुल पहचान लिया, मैंने कहा जी हमारा लड़का है, ठीक है। उन्होंने कही अब तो तुम भाई ऐसा करो, तुम जाओ अपने घर, और घर जाने के बाद में सुबह आओ, और सुबह आके अपनी लाश पहचानो जाके अस्पताल अलवर में, अब तो तुम्हें वहाँ लाश ना मिलेगी ना कोई पहचान देगा। तो वहाँ जाके हमने अस्पताल में लाश पहचानी, हमारे लिए लाश पहचान दी, हम लाश पहचान ली, पहचान के लाश, और हमने साहब हूँ अपनी रिपोर्ट कर दी। जो डॉक्टर था वे गोली का निशान को मिटा रहा था कि इसमें गोली नहीं है। मैंने कहा सर गोली है, गोली से हत्या हुई है, गोली को क्यों छुपाते है तू, ना इसमें गोली नहीं है। फिर उनने क्या हुआ, उनने धक्का दिया हमारे, चलो ऐसा है इसको रेफर करो, इन्हें जयपुर ले जाओ, वहाँ पर डॉक्टर माना करा लो। हम जी जयपुर को चला गया, मुख्यमंत्री के वहाँ भी पहुँच गया,
और वह क्या मतलब, कोई जितना भी अफसर ऊपर बैठे हैं या मैं जयपुर के अंदर, हमने अपनी मांग करी, हमारे लिए 50 लाख रुपए तो लड़का के लिए जिसकी जो चीज़ मट्टी हो गई, एक लड़का उसका नौकरी लगे, 25 लाख उनके लिए जो गोली लगे घायल है, और जो क्या वो और जो नाजायज हमारे ऊपर इन्हें केस लगाया पुलिस ने, हमारे ऊपर वो केस ना लगे। हमने अपनी मांग करी, तो मांग करने के बाद 4 दिन लाश पड़ी रही, हम सगड़े डोलिया खूब अपनी खूब दुहाई दे ली, हमारी इस सरकार ने हमारे लिए, यह सरकार अंधी भी होगी बहरी भी होगी, हमारे लिए इनने कुछ ना सुना। बहुत सा हमारे मेरे यहाँ ही पड़ोस में ही एक पे 30 गाय, एक पे 50 गाय, एक पे 40 गाय, हम जी गाय रखते हैं और गायन से इतना प्यार रखते हैं, और अब हम गायन का देखो, हमारे किसी भी गाय भी घर में देख लो, सब में गाय बंधी पाएगी, सब में गाय। इन पे क्या गाय रखते हैं, ये जो बना बैठा इन पे क्या गाय है कुछ, ये तो खाली एक भैया, इन्हें तो फितना और फिसाद फैलाना, हाँ, या मुद्दा उठा के मुसलमान के ऊपर इन्हें तो वार करना। हाँ। उम्र पे कोई केस नहीं है, कोई केस थाने पर दर्ज नहीं, हमारा थाने में और हमारी हमारा कुटुंब को, हमारा भी कुटुंब को, काई को भी कोई केस नहीं है, हम पे किसी पे भी ना, हमारा बच्चा पे भी केस नहीं है, अगर है केस तो उसको गिरफ्तार करो, और फिर कोई भी है गाय लाए कुछ भी लाए तो ये थोड़ी है मतलब गोली मार दो, तो ये तो नहीं है ना, काई भी समाज में ना है, गोली मार दो, गोली तो किसी की भी ना है,